राम राम। नमस्कार, मैं जगन्नाथपुरी से श्री शैलेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ और जगन्नाथ की ओर प्रार्थना भी करता हूँ, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बहुत भला रहे। आज का ये वीडियो दूसरा वीडियो है और ये वीडियो का सब्जेक्ट मैटर है हमारा देश का हाईवे। हमारा देश का जो हाईवे वो गांव का रोड और RDD का रोड और PDD का रोड से बहुत ऊंचा रहता है और आजकल वो बहुत देखने ही मिलता है। सब हाईवे से निकलता है, वो हाईवे जाने के लिए रोड भी निकलता है, टाउन को जाने वाला भी रोड भी निकलता है। गांव का रोड क्या होता है, वो NH से में कम होता है, NH का हाइट थोड़ा ज़्यादा रहता है, गांव का रोड कम हाइट में होता है। जैसे वे गांव से जो आदमी आते आएगा ना NH को, उसको चढ़ाई करना पड़ता है। वो चढ़ाई करने का टाइम में अगर गाड़ी चलाता है, स्कूटी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, नहीं तो भी फोर व्हीलर चलाता है, उसको क्या करना पड़ता है, एक्सीलेटर थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ता है क्योंकि वो चढ़ाई करता है। ये एक्सीलेटर दबाने के टाइम में वो अपने आप NH की अंदर आ जाता है, ब्रेक मारने से पहले और टक्कर भी हो जाता है। अब बहुत गाँव का देश है और गाँव में कृषि हमारा जीविका होता है, कृषि में ट्रैक्टर का प्रचलन ज़्यादा होता है। एक सोचिए, एक ट्रैक्टर आता है गांव से NH, ट्रैक्टर दो भाग होता है, एक होता है इंजन पार्ट, दूसरा होता है उसका टली पार्ट, टली का साइड। वो जब चढ़ाई करना पड़ेगा गांव के रोड से NH को आने से चढ़ाई करना पड़ेगा, वो NH को पहुंच जाएगा इंजन, लेकिन पीछे टली रह जाएगा, इसलिए उसको थोड़ा और एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा और वो ऐसा करते करते पूरा NH के ऊपर आ जाता है और टक्कर भी कभी कभार हो जाता है, बहुत सारे टाइम में हो जाता है। हमारा बोलने का मकसद ये है, जो NH के साइड में जो गांव का रोड शुरू होता है, NH के साइड वाला साइड जो रोड खत्म होता है, वहीं से साइड NH जो खत्म होता है साइड में ना, वहीं से गांव का रोड शुरू होता है। वही गांव का रोड 20 फीट होता है, इसका जो वाइड यही वाइड में थोड़ा 60 फीट तक बढ़ा दीजिए NH को। बढ़ाने से क्या होता है, वही सेम हाइट में NH का जो हाइट है वो एक्सटेंशन वाला रोड गांव की तरफ एक बढ़ा दीजिए, वो भी सेम हाइट रहेगा। सेम हाइट रहने में क्या होता है, जो गाड़ी आएगा वो पहले एक्सटेंशन वाला रोड को पकड़ेगा, मतलब अगर वो ब्रेक बाद में मारे या एक्सीडेंट जिसका दबाए वो NH को नहीं आएगा, वो एक्सटेंशन वाला रोड में रह जाएगा। और एक्सटेंशन वाला रोड और NH वाला जो रोड जहाँ पर वो मिलता है वहीं पर अगर हम्प्स कर दीजिए ताकि वो अपने आप फैल जाएगा और बाद में वो देखकर गाड़ी बाएं आता है दाएं आता है वो जाएगा, नहीं तो फिर टक्कर आ जाएगा। इसीलिए वो एक्सीडेंट को कम करने के लिए NH वालों को थोड़ा एक्सटेंशन करना पड़ेगा गांव की तरफ, टोनी की तरफ जहाँ गांव शुरू होता है। ठीक है, कहता हूँ नमस्कार। और ये वीडियो आपका कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, कहता हूँ नमस्कार।